उधर ही उधर आए, इस गली में तो जकीम ही नहीं कि क्या हो रहा है इसमें। आप मेयर के पास गए? अंधेरी बार गए, मेयर के पास गए, नगर पालिका में गए, मनीष असीजा जी के यहाँ गए, सबके यहाँ गए थे। बात भी वही बैठ गए, मनीष असीजा जी आए थे, झूठा दिलासा दे के चले गए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कम से कम 15 बार 10 क्षेत्र में फोन कर चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई वाई कबू भाई है ना। मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। और जितने नेता आए थे इधर रो रो के रो कहता हर बार भैया हमारी गली बनवा दो, पर बेना सुनता टट्टी को पानी हाथम तड़ाना पर तो हम लोगों को तो कितनी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची आ चुकी है। आरक्षण सूची आने के बाद उस पर आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद को नगर निगम बने 5 साल हो चुकी हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से मेयर नूतन राठौर भी यहां पर थी और उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। लेकिन 5 साल के अंदर कितना विकास हुआ है, अभी हम वार्ड नंबर 34 के न्यू ठारपुटा इलाके में हैं और यहाँ के पार्षद सत्येंद्र कुमार सविता जी हैं जो कि निर्दलीय पार्षद थे और विकास की बात करेंगे, यहाँ की जनता से पूछेंगे कि इन 5 सालों के अंदर क्या क्या विकास हुए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनीता यादव। विनीता जी कितनी देर से यहाँ पर रह रही हैं? 20 साल से। 20 साल से? हाँ। तो 20 साल से जो अभी आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ, पिछले 5 साल की बात करते हैं, 20 साल की नहीं, 5 साल में क्या विकास? 5 साल में भी इस गली में एक ट्रॉली मट्टी नहीं डली, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। तो आप लोग वो आते हैं सत्येंद्र पार्षद जी तो वो कहते हैं हमारे क्षेत्र में ही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों ने कभी इस पर नगर निगम में जाके कभी अपनी कोई शिकायत दर्ज कराई वगैरह? सब लगा धरना किया था एक बार, मनीष असीजा जी भी आए थे। क्या आश्वासन देके गए थे? आश्वासन देके गए थे गली बनेंगी, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं हमारी गली बनवाने उसके बाद में कहा वोट देंगे, खूब शौक से देंगे। तो अगर वो कह भी गए कि हम आपकी गली बनवा देंगे उसके बाद वोट देंगे तो ऐसे तो स्टैम्प पेपर्स पे लिख के ऐसे तो कई नेता भी आपसे जब तो नहीं वादा करके गए, आप तो यही सोच लगे वोट मार हो जाए पर, लेकिन देंगे निकालोगे नहीं, जब ही देंगे जब मेट्रोली में जाएगी जब गली में जब गड्ढा पानी को खलानो पर तो हमें रोज। और जितने नेता आए थे इधर रो रो के रो कहता हर बार भैया हमारी गली बनवा दो, पर बेना सुनता टट्टी को पानी हाथम तड़ानो पर तो हम लोगों को तो कितनी दिक्कत है बताओ। और चौमास में तो घुस घुस के पानी में और मन तक जानो पत्तो है, और जी टट्टी को पानी हमको खलानो पत्तो है, और अंत कहूँ देखो नाले पे कहूँ देखो सत्येंद्र कुमार ने सबर करवा दो, पर जठार बुटा पे ना ही कहते मेरे वहां में ना जी हमारे में ना जी साहब मने कहते मनीष ससिया जी का यहाँ पर आई मेयर आई थी उधर ही उधर आई इस गली में तो जकीम ही नहीं कि क्या हो रहा है इसमें। आप मेयर के पास गए? अंधेरी बार गए, मेयर के पास गए, नगर पालिका में गए, मनीष असीजा जी के यहाँ गए, सबके यहाँ गए थे। बात भी वही बैठ गए, मनीष असीजा जी आए थे, झूठा दिलासा दे के चले गए, और नेता भी आए थे झूठा दिलासा दे के चले जाता, पर यो नहीं कहते है कि एक ठेली का मट्टी डरवा देगा गली में, कबू का ना डरवाई दिक्कत नहीं है। कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद है वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे। बाबा जी क्या नाम है आपका? बाबू जी कितने दिनों से जा रहे थे? कौन सा? मैं रात देखी 15 साल है और हमने ऐसा कोई छोड़ो ना जाके दरवाजे 10-10 बार गए ना। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कम से कम 15 बार 10 क्षेत्र में फोन कर चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई वाई कबू भैये ना। असीजा के घर खूब गए, मेयर के घर जाते जाते मेरे पैर थक गए, लेकिन न मेयर को शर्म लगी न असीजा को शर्म लगी, और विधायक के पास जाते न विधायक सुनता, तो बताइए अब किस किस के पास वो जाए। तो आपके पार्षद क्या आश्वासन देते हैं? पार्षद तो हमारी जे चार गली तो मलिन बस्ती घोषित कराई थी, लेकिन उसके बाद कोई विकास ही नहीं कराओ की तरफ से। हाँ तो जे चार चुनाव होगा कि ये सब झूठ बोले के चले जाए, बाकी बात परेशानी कभी दिखाई ना दे, कुछ कराते ना, तो हम तो मेरी चल ना रही, हम तो सारे काले झंडा दिखाई देखे संबंधों को बैक कर देते रखते ना, लेकिन मेरी मजबूरी इस बात की है वोट तो देना ही पड़ेगा। और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी ये कौन सा वार्ड है? 34 वार्ड है। तो कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? मैं 18 साल रह गई। क्या क्या समस्याएं आपको? ऐसी समस्या देखो सुबह सब रात भर लेटरिन जाते, सुबह उलीचते हैं, बरसात में निकलो नहीं जाते यहाँ पे। अच्छा। हाँ बच्चा कहता है जामे बताओ तुम किसको वोट दें? मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। क्या चाहती हैं आप? गली बन जाए हमारी, ये चाहते हैं हम गली। ये वार्ड नंबर 34 की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो सड़कें हैं जो जहाँ पर लोग रहते हैं उन सड़कों की दुर्दशा आप देख सकते हैं, ना तो नालियाँ हैं और सड़कों की भी स्थिति बहुत दुश्वार है, यहाँ पर निकलना लोगों का दुश्वार हो जाता है बारिश के दिनों में। खास बार
बारिश के दिनों में खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की जो जलभराव है वो भी हो जाता है, क्योंकि निकासी नहीं है कोई बारिश के दिनों में पानी निकलने की, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, बीमारियाँ, क्योंकि देख सकते हैं कि नाली में पानी यहाँ पर रुका हुआ है, और इसी के कारण जो मच्छर पनपते हैं। और पिछले 2021 की बात करें तो यहाँ डेंगू की जो समस्या थी वो पूरे फिरोज़ाबाद में काफ़ी थी, और तराई तराई मच गई थी, बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए थे और काफ़ी बच्चों की मौत भी हुई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की इस 34 वार्ड नंबर 34 की कंडीशन है, यहाँ पर पानी की कोई निकासी नहीं है, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। तो अब चुनाव में ये लोग फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं। लोगों का यही कहना है कि अब की जो वोट मांगने आएगा उसको काले झंडे दिखाकर हमारे द्वारा उसका बहिष्कार किया जाएगा, पहले हमारी रोड होंगी उसके बाद कहीं वोट दिया जाएगा। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, फिरोजाबाद।